दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्रीलंका के खिलाफ वनडे और टी20 सीरीज पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए एक बार फिर से तैयार हो चुकी है। जी हां दोस्तों, कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मिलकर काफी लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद उन सभी 15 खिलाड़ियों का नाम 100% कन्फर्म कर दिया है जो इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच खेलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लैंड की टीम काफी ज्यादा मजबूत है, इसलिए भारतीय टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर खिलाड़ियों को ही टीम में खेलने का मौका दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 टी20 मैचों की सीरीज के लिए किन किन युवा 15 खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है, किन खिलाड़ियों की टीम से छुट्टी कर दी गई है, भारत और इंग्लैंड के बीच का क्या रहने वाला है शेड्यूल, इन सभी मैचों का लाइव प्रसारण आप कैसे देख पाएंगे, तमाम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, विराट कोहली और बाबर आजम में कौन सबसे खतरनाक बैट्समैन है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी भारतीय टीम अभी से शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, अगले वर्ल्ड कप में युवाओं से सजी हुई टीम ही दिखेगी। टी20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ जो होने वाली है, इसमें मयंक यादव, अभिषेक शर्मा, मुकेश कुमार, ईशान किशन जैसे युवा खतरनाक खिलाड़ियों की भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है। जबकि वहीं पर दोस्तों, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, खलील अहमद की टीम से छुट्टी कर दी गई है। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज के शेड्यूल पर नजर डालें तो पहला टी20 मुकाबला 22 तारीख को एमएच चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टी20 मुकाबला 25 तारीख को ईडन गार्डन कोलकाता में खेला जाएगा, जबकि वहीं पर दोस्तों, तीसरा टी20 मुकाबला 27 तारीख को राजकोट में खेला जाएगा, जबकि चौथा 29 तारीख को पुणे में खेला जाएगा, जबकि आखिरी यानी कि अंतिम मुकाबला 30 तारीख को वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। आपको बता दें, इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप अपने टेलीविजन पर डीडी स्पोर्ट्स के नेटवर्क को देख पाएंगे, जबकि ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जियो सिनेमा ऐप पर की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, फिल साल्ट, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड जैसे खतरनाक खिलाड़ी शामिल है। भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ आसान नहीं होने वाला है। इस वजह से कोच गौतम गंभीर और सूर्य कुमार ने भारतीय टीम में सिर्फ विस्फोटक खिलाड़ियों को ही खेलने का मौका दिया है। तो आइए दोस्तों, अब आपका बिना ज्यादा वक्त लिए आपको बताते हैं कि आखिरकार बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज के लिए कौन कौन से युवा बल्लेबाजों और घातक गेंदबाजों को स्क्वाड में खेलने का मौका दिया है। सूर्य कुमार यादव किन खूनखार भूखे शेरों के साथ इंग्लैंड के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हैं, कौन कौन से नए खिलाड़ियों की भारतीय टीम में एंट्री हुई है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नाम इस लिस्ट में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल का आता है। जी हां दोस्तों, जायसवाल भारतीय टीम के उभरते हुए सितारे हैं। टी20 फॉर्मेट और टेस्ट फॉर्मेट में उनके आंकड़े कमाल के हैं। जायसवाल बहुत ही कम उम्र में टी20 और टेस्ट फॉर्मेट में काफी ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं और आने वाले समय में भी यह इसी तरह से शानदार बल्लेबाजी करते रहेंगे। इंग्लैंड की गेंदबाजी यूनिट काफी खतरनाक है, तो ऐसे में एक विस्फोटक बल्लेबाज से ही भारतीय टीम ओपनिंग कराने का प्लान बनाकर आई है। इस वजह से यशस्वी जायसवाल को स्क्वाड में खेलने का मौका मिला है, जबकि इसके बाद दोस्तों, दूसरे खिलाड़ी के तौर पर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को स्क्वाड में मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ इन्हें मौका मिला था, जहाँ पर इन्होंने एक शतक भी जड़ दिया था। उसके बाद श्रीलंका के खिलाफ इन्हें मौका नहीं मिला, लेकिन अब फाइनली बीसीसीआई एक बार फिर से इंग्लैंड के खिलाफ उनकी वापसी करवा चुकी है। जैसा कि अभी हमने बताया कि यह सीरीज भारतीय मैदानों पर खेली जाएगी, जहां पर अभिषेक शर्मा का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। आईपीएल 2024 में भारतीय पिचों पर इनका दबदबा रहा था। पेस गेंदबाजी, अटैक हो या फिर स्पिन, सब की पिटाई बराबर से करते हैं अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में पावर प्ले के दौरान तबाही मचा कर रखी, तो ऐसे में इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर धुनाई करने के लिए भारतीय टीम अभिषेक शर्मा को टीम में ला चुकी है। जबकि इसके बाद दोस्तों, तीसरे खिलाड़ी के तौर पर युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ को भारतीय टीम का हिस्सा बनाया गया है। विराट कोहली टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, तो कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि नंबर 3 पर गायकवाड़ विराट कोहली के रिप्लेसमेंट के तौर पर अच्छी बल्लेबाजी करते हैं।
जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में नंबर 3 पर इनका प्रदर्शन काफी बढ़िया गया था, तो ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली सीरीज में भी गायकवाड हो सकता है नंबर 3 पर ही बल्लेबाजी करें। जबकि चौथे खिलाड़ी के तौर पर कप्तान सूर्य कुमार यादव स्क्वाड का हिस्सा है। सूर्य कुमार भारतीय टीम की कमान संभालेंगे और टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करेंगे। सूर्य कुमार यादव T20 फॉर्मेट के सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, इस वजह से T20 फॉर्मेट का कप्तान भी बनाया गया। सूर्या T20 फॉर्मेट में अभी तक 4 सेंचुरी मार चुके हैं और 1 सेंचुरी इंग्लैंड के खिलाफ भी उनके रिकॉर्ड में शामिल है, तो इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें बल्लेबाजी करना पसंद है। जबकि इसके बाद पांचवें खिलाड़ी ऑलराउंडर बल्लेबाज रियान पराग है, जो कि अब एक नए अंदाज में अपने आप को पेश कर रहे हैं। बल्लेबाजी हो या फिर गेंदबाजी, दोनों से इनका योगदान टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहता है। बल्लेबाजी में मौका मिलता है तो रन बनाते हैं, गेंदबाजी मिलती है तो विकेट चटकाते हैं। जबकि इसके बाद छठे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन टीम का हिस्सा है। जी हां दोस्तों, बीसीसीआई एक बार फिर से संजू सैमसन को मौका दे रही है। हालांकि जब भी मौका मिलता है संजू सैमसन अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन पिछली सीरीज जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी अच्छी नहीं गई थी। श्रीलंका में भी इन्हें एक मौका मिला था, वहां पर भी प्रदर्शन ठीक नहीं था। जबकि सातवें खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की भारतीय टीम में वापसी हो चुकी है। जी हां दोस्तों, काफी लंबे समय के बाद किशन भारतीय टीम में अपनी जगह बना पाए हैं। आपको बता दें, वनडे फॉर्मेट में ओपनिंग करते हुए यह एक दोहरा शतक मार चुके हैं। T20 में जब भी इन्हें मौका मिला इन्होंने खूब रन बनाए हैं। तो वहीं पर दोस्तों आठवें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। इंग्लैंड काफी तगड़ी टीम है, तो भारतीय टीम को एक खतरनाक ऑलराउंडर की जरूरत थी, जो कि हार्दिक पांड्या बखूबी इस जिम्मेदारी को संभाल सकते हैं। जबकि नौवें नंबर पर शिवम दुबे को भारतीय स्क्वाड में जगह मिली है। शिवम दुबे जो कि T20 वर्ल्ड कप में अपनी एक अलग छाप छोड़ चुके हैं। फाइनल मुकाबले में इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, इसके बाद से लगातार बीसीसीआई इन्हें मौके दे रही है। जबकि इसके बाद दोस्तों दसवें खिलाड़ी के तौर पर विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह भारतीय स्क्वाड में शामिल है। रिंकू सिंह के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। रिंकू सिंह डेथ ओवरों में बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी करते हैं। जबकि इसके बाद दोस्तों ग्यारहवें नंबर पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल भारतीय स्क्वाड में है, जो कि बल्लेबाजी के साथ स्पिन गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभालते हैं। स्पिन गेंदबाजी को और मजबूत बनाने के लिए 12वें नंबर पर रवि बिश्नोई को भारतीय टीम में मौका मिला है। रवि बिश्नोई जो कि काफी अच्छे स्पिनर गेंदबाज हैं, जबकि दोस्तों तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी बीसीसीआई ने अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और मयंक यादव को दी है। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की सीरीज में मयंक यादव और मुकेश कुमार दो युवा गेंदबाज भारतीय टीम का हिस्सा है, जो कि इंग्लैंड को तहस नहस करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। मयंक यादव जो कि आईपीएल 2024 में सबको प्रभावित किया था, हालांकि मुकाबले कम खेले थे लेकिन काम तगड़ा वाला किया था। मुकेश कुमार जो कि लगातार भारतीय टीम के लिए अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये रही भारतीय टीम जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए रेडी हो चुकी है। दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, इस स्क्वाड में और किन किन खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए था? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर दीजिएगा।